यही है कि यूपीएससी को एक बैटल फील्ड की तरह लें, और जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले बैटल फील्ड यानी यूपीएससी के सिलेबस को देखें, बैटल फील्ड यानी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें, और देखें कि किस युद्ध में आप उतरने जा रहे हैं, किस युद्ध का आप सामना करने जा रहे हो, और इस युद्ध को जीतना है तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। यूपीएससी आपका दुश्मन है तो यूपीएससी की पोजीशन कहाँ है, और आपका कौन से पोजीशन से यूपीएससी पर आक्रामक रूप से अटैक हो सकता है। और दूसरी चीज़ बाबर की एक और सीखने लायक ये है कि बाबर जब भी कोई चीज़ करने जाता था तो अपनी सारी सबसे प्रिय चीज़ों को, सबसे फेवरेट चीज़ों को छोड़ देता था। और मुगल सम्राट भी इन काफ़ी ऐसी चीज़ों के लिए फेमस है कि उन्हें काफ़ी चीज़ का वो लोग नशा करते थे। तो लेकिन जब बाबर का युद्ध राणा संगा से होने वाला था तो बाबर ने सारी उन चीज़ों का त्याग कर दिया जो उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाती हो। जैसे उसने शराब का सेवन करना बंद कर दिया, उसने मदिरा पान करना बंद कर दिया, नृत्य देखना बंद कर दिया, और जितने भी अलग अलग एंटरटेनमेंट के साधन थे वो सारे अपने उसने दूर कर लिए। और जब तक युद्ध उसने नहीं जीता तब तक इन सारी चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया। तो मेरा आपसे यही सबसे बड़ा एक मैसेज होगा कि जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करें तो अपनी उन सारी चीज़ों को दूर कर लें, उन सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लें जो आपको अपने लक्ष्य